हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। ये चलते हैं बिहार दिनभर की ताजा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिनभर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, मोतिहारी में बदमाशों ने हथियार के दम पर पंजाब नेशनल बैंक में 15 लाख की लूट कर ली। अपराधी पैसे लेकर भागे रहे थे कि बैंक के कर्मचारी ने उनका पीछा किया। ग्रामीणों ने भी उन्हें घेर लिया, वो गन्ने के खेत में जाकर छिप गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। अपराधियों को जब लगा कि बचने का कोई रास्ता नहीं है तो उन्होंने पैसे से भरा बैग आगे किया, फिर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों ने आरोपी के साथ जमकर मारपीट की। अगली खबर, सीबीआई रेड पर बोले तेजस्वी यादव, 15 साल के बाद जागे हैं, उस मॉल को मेरा बताया जा रहा जो मेरा है ही नहीं। सीबीआई की कार्रवाई को लेकर तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए। राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सीबीआई ने गुरुग्राम के जिस मॉल को मेरा बताया है वो मेरा नहीं है, वो किसी और के नाम पर है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। 15 साल के बाद सीबीआई अब जाकर जागी है। अगली खबर, राज्य में सृजन घोटाले पर बड़ी कार्रवाई। सृजन घोटाले मामले में सीबीआई ने भागलपुर में कार्रवाई की। सुबह सुबह सीबीआई की अधिकारी भागलपुर पहुंची। टीम ने सबसे पहले बांका में तैनात कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी है। अगली खबर, नीतीश कुमार ने खुलासा किया कि उन्होंने बीजेपी का साथ क्यों छोड़ा। नीतीश कुमार ने कहा कि सत्ता में आने के साथ ही उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जाने लगा था। उन्हें सबसे बड़ा झटका उस दौरान लगा था जब 10 साल से ज़्यादा समय से उनके डिप्टी सीएम रहे सुशील कुमार मोदी का नाम अचानक मंत्री पद से हटा दिया गया। नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कि बिना उनकी सहमति के सुशील मोदी को हटा दिया गया। उन्हें बताया गया था कि नवल किशोर यादव को कोई बढ़िया पद दिया जाएगा, लेकिन उन्हें भी हटा दिया गया। विनोद नारायण झा, प्रेम कुमार को जगह नहीं दी गई। कैबिनेट में सभी नए चेहरे को शामिल कर दिया गया, जो कि मुझे समझने में मुश्किल हो रही थी। अगली खबर, बीजेपी ने विधानमंडल में विपक्ष के नेताओं की घोषणा कर दी है। विधानसभा में विजय सिन्हा को और विधान परिषद में सम्राट चौधरी को मुख्य विपक्षी नेता बनाया गया। इसके माध्यम से पार्टी में न केवल जातीय समीकरण को साधा है बल्कि सत्ता पक्ष को भी स्पष्ट संदेश दिया कि वो सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरेंगे। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों की छवि तेज तर्रार नेता और प्रखर वक्ता की है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में विजय सिन्हा की छवि तर्कपूर्ण बयानों के साथ विरोधियों को घेरने वाले नेता के रूप में उभरी है। विधानसभा में नीतीश कुमार और विजय सिन्हा के बीच हुए विवादों में ये स्पष्ट तौर पर दिखा था। बिहार की सियासत को करीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि 74 विधायकों वाली बीजेपी को एक ऐसा नेता चाहिए था जो सामने से अटैक करे, और बीजेपी ने उसी में से दो व्यक्ति को चुना है जिसका नाम है सम्राट चौधरी और दूसरे हैं विजय सिन्हा। अगली खबर, नीतीश कुमार अब खुलकर भाजपा के सामने आ गए हैं, उसी की तरह जैसे वो पहले कभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ आ गए थे। हालांकि अभी से खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार तो नहीं बता पा रहे, लेकिन पींगे फूट रही है। जैसे रात भर पानी में पड़े रहे, मूंग भी फट जाती है। अब वो साफ साफ कह रहे हैं कि उनके पास विपक्षी दलों के खूब फोन आ रहे। वो अब तमाम विपक्षी दलों को एक साथ एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे, जी जान से लगेंगे। नीतीश छापों पर बेहद गुस्सा है। उनका कहना है कि छापे वालों को जनता माफ नहीं करेगी। नीतीश के इस तरह गुस्सा होने के कई कारण हैं। विधानसभा में उनके बहुमत साबित करने के दिन ही गठबंधन के कई साथियों पर सीबीआई का ताबड़तोड़ छापा पड़ा। इस छापेमारी की चपेट में लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी आ गए। अगली खबर, 5 दिनों में 7वां वेतनमान देने सहित अन्य मांगे पूरी नहीं होने पर नगर निगम के कर्मी बेमियादी हड़ताल करेंगे। इस आंदोलन में मुजफ्फरपुर समेत पूरे राज्य के नगर निकाय के कर्मी शामिल होंगे। इसकी जानकारी देते हुए बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह ने बताया कि अब तक कर्मियों की मांगों पर सरकार के स्तर से सकारात्मक पहल नहीं की गई है। मांगे नहीं मानी गई तो विवश होकर निगम कर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे। इस संबंध में सभी निगमों के प्रशासक से लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव और मंत्री तक को यह जानकारी दी जा चुकी है। वहीं मुजफ्फरपुर नगर निगम कामगार यूनियन के उपाध्यक्ष सत्येंद्र प्रसाद सिंह के मुताबिक कर्मियों को 7वां वेतनमान देने, संविदा पर कार्यरत सफाई कर्मियों को नियमित करने सहित अन्य मांग भी शामिल है। अगली खबर, सेवा पुस्तिका के लिए देनी होगी 5 उंगलियों के निशान। राज्य सरकार सचिवालय से लेकर जिला कार्यालय में संविदा पर काम करने वाले सभी राज्य कर्मियों का डेटाबेस तैयार करने में जुट गई है। नियमित सरकारी कर्मियों की तरह उनकी सेवा पुस्तिका यानी कि सर्विस बुक तैयार की जा रही, जिसमें उनके नियोजन से लेकर लिए जाने वाले अवकाश का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। सेवा पुस्तिका के लिए सभी संविदा कर्मियों को निर्धारित फॉर्मेट के तहत अंगूठे सहित हाथ की 5 उंगलियों की छाप देनी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के मुताबिक संविदा कर्मियों की सेवा पुस्तिका तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग और कार्यालय को दी गई है। हर विभाग में इसके लिए अलग से नोडल प्राधिकारी बनाए गए। सेवा पुस्तिका में संविदा कर्मी का नाम, स्थायी पता, पिता का नाम, राष्ट्रीयता SC ST से होने पर उसका ब्यौरा, जन्मतिथि,
आधार नंबर, शैक्षणिक योग्यता, लंबाई, शरीर पर पहचान के चिन्ह, योजना, परियोजना का नाम, संविदा नियोजन की अवधि आदि की जानकारी होगी। साथ ही संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा नियमित किए जाने की मांग पर गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं के आधार पर राज्य सरकार यह कार्रवाई कर रही है। अप्रैल 2015 में गठित यह समिति ने अगस्त 2018 में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी। समिति ने ऐसे कर्मियों को अस्थायी अस्थायी दो श्रेणियों में बांटकर अपनी अनुशंसा दी थी। अगली खबर, सीबीआई छापे के बाद आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के सभी बैंक लॉकर्स फ्रीज कर दिए गए। बोले सीबीआई बीजेपी का अंग, ये चाहते हैं कि कैसे भी गठबंधन टूट जाए। लैंड फॉर जॉब केस सेंट्रल एजेंसी सीबीआई की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी है। सीबीआई राजद एमएलसी सुनील सिंह के बैंक लॉकर खंगालने में जुट गई है। सीबीआई की टीम राजद एमएलसी सुनील सिंह की पत्नी वंदना सिंह को लेकर पटना के एसकेपुर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पर्सनल बैंकिंग ब्रांच पहुंची थी। यहां पर वंदना सिंह के नाम से लॉकर है जिसकी जांच की गई। इसके पूरे के बाद अब सीबीआई की टीम वंदना सिंह को लेकर फ्रेजर रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया के मेन ब्रांच गई। वहां भी वंदना सिंह के नाम से लॉकर है, इसे भी अब खंगाला जा रहा। एमएलसी सुनील सिंह ने बताया कि हमारे सभी बैंक लॉकर को फ्रीज कर दिया गया है। सीबीआई की एक टीम मेरे घर में है और एक टीम बैंक में है। अगली खबर, नालंदा में आज से कोरोना टीकाकरण को लेकर महाअभियान चालू। नालंदा में आज कोरोना वैक्सीन को लेकर महाअभियान चलाया जा रहा। कोरोना रोधी वैक्सीन की सभी तरह की डोज लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग जिले में 400 से अधिक केंद्र पर टीका लगाने का काम कर रहा है। इसके संदर्भ में अपने अपने क्षेत्र के आशा वर्कर्स एवं सेविकाओं से इसकी जानकारी ले सकते हैं कि कहां कहां टीका केंद्र बनाया गया। अगली खबर, सृजन घोटाले केस में सीबीआई की कार्रवाई। भागलपुर में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। टीम ने सृजन घोटाले केस में अशोक कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अशोक कुमार गुप्ता बांका में कोऑपरेटिव बैंक मैनेजर रह चुके हैं। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की 8 सदस्यीय टीम ने देर रात ही अशोक कुमार के घर रेड की थी। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद टीम ने अशोक कुमार को सदर अस्पताल लेकर गई। यहां उनका मेडिकल टेस्ट करवाया गया। इसके बाद टीम अपने साथ लेकर चली गई। इस दौरान सीबीआई के अधिकारियों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। अगली खबर, मानसून की सक्रियता बढ़ते ही राजधानी समेत प्रदेश के दक्षिणी भागों के अलग अलग स्थानों पर अच्छी वर्षा हुई है। पटना के ऊपरी हिस्से से ट्रफ लाइन पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी तक गुजरी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान राजधानी समेत प्रदेश के 16 जिलों के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, जहानाबाद, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, सारण, गोपालगंज जिले के एक या दो स्थानों पर मध्यम दर्जे की वर्षा का पूर्वानुमान है। वहीं प्रदेश के बाकी हिस्सों का मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक रविवार को पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया जिले के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा की चेतावनी है। अगली खबर, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की हो सकती है गिरफ्तारी। सीबीआई को हार्ड डिस्क से मिले अहम सबूत। अभी बिहार का राजनीतिक पारा सातवें आसमान पर पहुंच सकता है। सीएन न्यूज 18 को सीबीआई के विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हो सकती है। सीबीआई को इस संबंध में अहम सबूत हाथ लगे हैं। यह अहम सबूत है एक हार्ड डिस्क। इस हार्ड डिस्क में नौकरी के बदले जमीन देने वाले लोगों की सूची है। इस सूची में 1458 लोगों के नाम है जिन्हें कथित तौर पर रेलवे में अपनी नौकरी के बदले यादव परिवार को जमीन दी थी। सूत्रों के मुताबिक यह सूची लालू प्रसाद के बेटे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने तैयार की थी, जिसे पिछले महीने छापे के दौरान सीबीआई ने बरामद किया था। दरअसल यह मामला यूपीए एक सरकार में लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान का बताया जाता है। अगली खबर, दिल्ली सरकार के द्वारा सरकारी बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा की योजना की चर्चा पूरे देश में होती रही है। बिहार में भी कुछ इसी अंदाज पर एक पहल की गई है, लेकिन खास बात यह है कि ये पहल सरकारी नहीं बल्कि एक महिला की निजी पहल है। मामला छपरा से जुड़ा है, जहां एक महिला ने नगर निगम क्षेत्र की महिलाओं के लिए ऐसी एक योजना की शुरुआत की, जिसके तहत ई रिक्शा पर महिला शहर में फ्री में यात्रा कर सकती है। मिसेज बिहार की टॉप 2 प्रतिभागी राखी गुप्ता ने अपने निजी खर्च से इस योजना की शुरुआत की। इस योजना का नाम पिंक लाइन सर्विस रखा गया है। इसके तहत शहर में आवागमन के लिए जहां भी महिलाएं जाना चाहती है, इसके तहत फ्री में यात्रा कर सकती है। राखी गुप्ता ने बताया कि इसके पीछे वैसी जरूरतमंद महिलाओं की सेवा करना है जो बाजार में आती है लेकिन पैसे नहीं होने के कारण पैदल यात्रा को विवश रहती है। तो दोस्तों, बिहार दिनभर की ताजा और बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिनभर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे।